कौन है मूसावाला का शूटर अंकित सिरसा? 18 साल की उम्र में कैसे बना मोस्ट वांटेड? सोनीपत के सिरसा गांव का रहने वाला अंकित कैसे बना लॉरेंस का खास? 9वीं पास अंकित अपराध के अंधेरे में कैसे कूदा? सिद्धू मूसावाले की हत्या के एक महीने बाद भी इस मामले में रोज नए से नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार खुलासा इस 19 साल के शूटर को लेकर है, जिसके हाथ में बंदूक है। बंदूक थामे 19 साल का ये लड़का देखने में वैसे मासूम लगे, मगर है बहुत शातिर, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि यही शख्स मूसावाले का शूटर है। जी, पुलिस का दावा है कि अंकित महज 18 साल की उम्र में ही सिरसा पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया था। अब सवाल ये कि कैसे अंकित लॉरेंस बिश्नोई गिरोह में शामिल हुआ और कैसे वो लॉरेंस का खास बन गया। मगर उससे पहले ये जान लीजिए कि शूटर अंकित पुलिस के हत्थे चढ़ा तो चढ़ा कैसे। दरअसल मूसावाले के कत्ल के बाद पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम अंकित सिरसा की तलाश में जुटी थी। पुलिस को जानकारी मिली कि सोनीपत के हरियाणा का रहने वाला अंकित सिरसा प्रियव्रत फौजी के साथ था और उसने दोनों हाथों से बेहद करीब से सिद्धू मूसावाले पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। अब सवाल ये कि 19 साल का अंकित कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग में शामिल हुआ। बताया ये जा रहा है कि सोनीपत के सिरसा गांव का रहने वाला अंकित करीब एक साल पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया था। इसके बाद राजस्थान में सिरसा ने दो वारदातों को अंजाम दिया था। सबसे पहले अंकित सिरसा मोनू डागर के संपर्क में आया था। मोनू ने अंकित की मुलाकात अनमोल से करवाई थी और अनमोल के जरिए अंकित बिश्नोई वो गैंग से जुड़ा। फिलहाल अंकित के खिलाफ हत्या के प्रयास के दो मामले राजस्थान में दर्ज हैं। बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस ने जब अंकित की तलाश शुरू की थी, तब पता लगा था कि वो बेहद खतरनाक तरीके से वारदात को अंजाम देता है। एक फोटो में उसने कारतूस से अपना नाम अंकित लिखा है। इसके अलावा कई दूसरी फोटो में अंकित पिस्तौल और कारतूस के साथ नजर आता है। अंकित इतना शातिर है कि साथियों के संपर्क में आने के लिए वो व्हाट्सएप कॉल तक का इस्तेमाल नहीं करता। जिस वक्त अंकित पकड़ा गया, तब वो अपने साथियों के साथ मिलकर नोएडा जाने की फिराक में था। इसके टारगेट पर दो और लोग थे, जिसके बाद वो विदेश में भागने की फिराक में था, मगर उससे पहले पुलिस के वो हत्थे चढ़ गया। अब वो हत्थे चढ़ा कैसे, ये भी समझिए। अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसके साथी के साथ 3 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दोनों को दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक सिद्धू मूसावाले की हत्या के बाद दो और लोग इनके टारगेट पर थे। इन दोनों की हत्या के बाद इनका विदेश भागने का प्लान था। तो क्या मान लिया जाए कि सिद्धू मूसावाले की हत्या से जुड़े तार अभी और खुलना बाकी है, या फिर अंकित की गिरफ्तारी के बाद ये साफ है कि हत्या की साजिश और हत्यारे सब कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। खैर, उम्मीद की जा रही है कि पुलिस अभी आने वाले दिनों में और भी खुलासे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।